चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ए एंड द। इसका उपयोग हम कहां पर करें, कैसे करें, उपयोग करने का नियम क्या है, ये सब हम आज जानेंगे। जैसे कि मुझे पता है, मैंने भी पहले ऐसे पढ़ा था और बहुत से लोगों को यही जानकारी है कि जो ए एन का यूज करने का जो तरीका है ना, जो हम पढ़े थे वो हमने क्या पढ़ा था कि वॉवेल्स, जो वॉवेल्स के बारे में सभी को पता है, ए ई आई ओ यू, हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि जहां भी ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले कोई भी शब्द है वहां पर हम एन लगाते हैं। ये हमने जो पढ़ा था उसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं जो नियम बताऊंगा वो अलग है। हमने ऐसे पढ़ा था, इससे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। हमने ये पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स है, स्वर है, उससे यदि कोई शब्द स्टार्ट होता है, कोई वर्ड शुरुआत होता है, तो उसके आगे हम एन का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे इजी है एप्पल, देखिए यहाँ पर ए का यूज हो रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है यहाँ पर, तो इसके पहले हम एन लगा देते थे। इसी प्रकार से जैसे आउल हो गया, ये आउल है तो यहाँ पर ओ है, तो क्योंकि वॉवेल है तो हम एन लगा देते थे। और यदि वॉवेल नहीं है वहां पर, इसके अलावा और कुछ भी है जैसे पेन है, तो हम यहाँ पर ए लगा देते थे। बस है तो बी है, यहाँ पर बी नहीं है तो हम यहाँ पर भी ए लगा देते थे। इस प्रकार से हम पढ़े हुए हैं या हमें जानकारी होगी, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि हम इस नियम से बनाएंगे तो संभावना है बहुत सी गलतियां होने की। जी हाँ, कौन कौन सी गलतियां होती मैं आपको बताऊंगा अभी। आप देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया होटल। यहां पर आप देख सकते हैं जो स्टार्ट हो रहा है, जो वर्ड है वो एच से हो रहा है, और एच क्योंकि वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हम यहां पर ए का यूज करेंगे। जो नियम हमें पहले पता है तो हमने यहां पर ए का कर दिया, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ये सही भी है। अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप बताएंगे कि क्या ये सही है। अब यदि हम यहां पर लेते हैं एच ओ यू आर, आवर, यदि हम यहां पर लेते हैं एच ओ यू आर, आवर यानी घंटे। अब बताइए यहां पर भी एच लिखा हुआ है, यहां पर भी एच है, तो ऊपर जो एच लिखा हुआ है यहां पर तो हमने ए का यूज किया है, अब यहां पर एच है, ये भी व्यंजन है, तो नियम के अनुसार तो हमें यहां पर ए का उपयोग करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो फिर आपका ये नियम तो यहां पर गलत साबित हो जाता है। इसी प्रकार से एक और आपको बताता हूं, बहुत ही छोटा सा, जैसे कि हम यहां पर लेते हैं अम्ब्रेला, हम यहां पर लेते हैं अम्ब्रेला जो कि यू से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि जो नियम जो आपको बताए थे पहले, यू वॉवेल है यू, तो हम यहां पर एन लगा दिए। चलिए ये भी आपका सही हो गया अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला सही है। अब मैं एक लिख के दिखाता हूं आपको वर्ड, मान लीजिए मैं यहां पे लिख दिया यूनिफॉर्म, मैंने यहां पर लिख दिया है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म लिखा हूं, यहां पर भी यू है, तो ये जो नियम हम जो पहले पढ़े थे या हमें जानकारी है, तो उसके आधार पे तो यहां पर एन आना चाहिए, क्योंकि यहां पर यू है, देखिए आप वॉवेल है, तो यहां पर एन आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जी हाँ, ये गलत है, यहां पर यू है तो एन का उपयोग किए, यहां पर यू है तो एन का उपयोग नहीं होगा, यहां पर ए का उपयोग होगा। अब बोलेंगे ये कैसे, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो रूल हम जो पढ़े थे वो पूरी तरीके से सही नहीं है, कहीं कहीं पर काम में आता है लेकिन हर जगह नहीं। और मैं जो आपको आज जो बताने वाला हूं नियम, इसे यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ आएगा कहां पर हमें ए का उपयोग करना है, कहां पर एन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने उस नियम की ओर जिसे मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा, यही है वो नियम। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि यहां पर हिंदी स्वर का क्या काम, इंग्लिश में जब हमें आर्टिकल लिखना है, मतलब आर्टिकल का उपयोग करना है ए एन का, तो हमें वहां पर हिंदी के स्वर का क्या प्रयोग? तो यही है वो नियम जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कहां पर ए का उपयोग होगा, कहां पर एन का, वो कैसे मैं आपको बताता हूं।
जब भी आप उच्चारण करेंगे किसी शब्द का, यदि वहां पे उच्चारण में हिंदी स्वर का बोध होता है या हिंदी स्वर का उच्चारण होता है वहां पर, तो एन का उपयोग करेंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसी को ले लेते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए हमने लिया यहां पर ये होटल, हमने यहां पर लिखा है होटल, और मैंने पहले बताया था। अब इंग्लिश वाला ए ई आई ओ यू को आप भूल जाइए, अब यहां पर जो आपको नियम बता रहा हूं उसे आप ध्यान से देखेंगे। एच होटल, तो जब हम उच्चारण करते हैं होटल का तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम होटल, और यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला जो यहां पर उच्चारण हो रहा है शब्द का ये है हा, ह से, और आप देखेंगे स्वर में यहां पर ह नहीं आता है, वो व्यंजन है। तो यदि स्वर है तो फिर एन लगाएंगे और व्यंजन है तो फिर ए लगाएंगे। यही है नियम, आप देखेंगे इससे सभी जो भी आपका डाउट है सभी क्लियर हो जाएगा। यही वो नियम है, यदि स्वर है, स्वर अगर आ रहा है वहां पर तो एन का उपयोग होगा, और यदि स्वर नहीं है व्यंजन है तो फिर ए आएगा। तो आप देखिए यहां पर व्यंजन है मान लीजिए, तो यहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए होटल, यहां पर ह का उपयोग हो रहा है तो ह क्योंकि स्वर नहीं है तो यहां पर हम ए लिखेंगे, तो ए होटल हो गया, है ना। अ होटल भी इसको उच्चारण करते हैं। अब यदि हम लेते हैं, मैंने जैसे कहा था आपको आवर, एच ओ यू आर आवर, अब इसको यदि आप उच्चारण गलत करते हैं, यदि आप इसे ऐसे उच्चारण करते हैं हावर, यदि आप इसे हावर उच्चारण करते हैं तो फिर यदि आप इसी नियम से बनाते हैं ह उच्चारण हो रहा है तो आप व्यंजन में ए लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके उच्चारण जो होता है वो होता है आवर। तो क्योंकि यहां पर उच्चारण हो रहा है आवर, तो देखिए आ, तो यहां पर आप देख सकते हैं आ स्वर है, तो मैंने पहले बताया यदि स्वर है तो वहां पर एन का उपयोग हुआ, तो आप देख सकते हैं यहां पर एच में ए का उपयोग हुआ है क्योंकि उच्चारण में होटल हो रहा है ह, और यहां पर एच है लेकिन यहां पर हावर नहीं पढ़ेंगे हम, इसे आवर पढ़ते हैं क्योंकि यही नियम है, यहां पर एच साइलेंट रहता है तो आवर। तो देखिए आ, तो आ यहां पर स्वर है इसलिए एन का उपयोग करेंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था उसे ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला, बताया था मैंने अम्ब्रेला, अब आप इसका उच्चारण जो कर रहे हैं अम्ब्रेला कर रहे हैं, युम्ब्रेला नहीं कर रहे हैं क्योंकि अम्ब्रेला यही उच्चारण करने का तरीका है। अब यहां पर यदि हम उच्चारण करते हैं अम्ब्रेला, ये सही उच्चारण है, आपको ये पता है अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं या फिर उसे उच्चारण कैसे करते हैं। तो यहां पर आप देखिए अ है, अ क्या है एक स्वर है तो यहां पर एन आएगा। अब मैंने आपको जो बताया था यूनिफॉर्म, देखिए ये भी शुरू हो रहा है, ये भी शुरू हो रहा है यू से, यहां पर यू से शुरू हुआ तो एन का उपयोग हुआ क्योंकि यहां पर अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर इसे यूनिफॉर्म उच्चारण देखिए यूनिफॉर्म यू, तो हमने किया यूनिफॉर्म या फिर फॉर्म, तो खैर ये फॉर्म पढ़ेंगे हम, उच्चारण भी ऐसी होता है यूनिफॉर्म। यदि हम इसे यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं तो यहां पर देखिए यू, ये इंग्लिश वाला यू नहीं हिंदी वाला यू, तो यू, तो यहां पर हो रहा है या, यहां पर या का उपयोग हो रहा है, तो क्योंकि या यहां पर स्वर नहीं है वो व्यंजन है, तो नियमानुसार मैंने बताया व्यंजन है तो वहां पर ए का प्रयोग होगा, तो यहां पर आएगा ए। ये अ यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म, आप जो भी बोल सकते हैं, एन अम्ब्रेला, यहां पर देखिए एन आवर क्योंकि आवर है तो ये स्वर है तो एन लगेगा, ये होटल है ह क्योंकि व्यंजन है तो ए लगेगा। उसी प्रकार से देखिए यूनिफॉर्म, यहां पर यू लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है यहां पर या, यू, तो ये इंग्लिश के यू के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, व्यंजन क ख ग घ वाले में जो य आता है यज्ञ का य, उसका उच्चारण हो रहा है तो यहां पर ए आएगा। यही नियम है, यदि उच्चारण में आपका स्वर आ रहा है तो वहां पर एन लगाएंगे, व्यंजन आ रहा है तो वहां पर ए लगाएंगे। अब आपको दो चार उदाहरण देता हूं, जल्दी से आपको समझ आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। एक उदाहरण इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं, जैसे मैंने मान लो यहां पर लिख दिया है एलिफेंट, मैंने यहां पे लिखा हुआ है एलिफेंट, हाथी सबको पता है। अब यहां पर देखिए ई है, अब इंग्लिश के ए ई में नहीं आना है आपको, ई है लेकिन उच्चारण हम क्या कर रहे हैं एलिफेंट, देखिए इस प्रकार से हमने लिखा एलिफेंट, यहां पे उच्चारण हो रहा है ए का, तो आप देखिए ए स्वर है कि नहीं, जी हाँ ए एक स्वर है, तो यहां पर आएगा एन, हमने लिख दिया एन,
अब यदि हम देखते हैं इसी प्रकार से एक शब्द है, एक नाम है, उसे हम लिखते हैं यूरोपियन, उसे हम लिखते हैं यूरोपियन। देखिए यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई एन, यूरोपियन, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहां पर भी ई है, जैसे कि यहां पर ई है तो एन का उपयोग किए, यदि आप बोलेंगे यहां भी ई है तो हम एन का उपयोग करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, आपको उच्चारण पर ध्यान देना है। ये ई यूरोपियन नहीं है, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ई यूरोपियन, इस प्रकार से आप नहीं पढ़ेंगे, इसे आप उच्चारण करते हैं यूरोपियन, ये हो गया यूरोपियन। यदि आप यूरोपियन बोल रहे हैं तो फिर वही वाली बात, यहां पर देखिए यह का उपयोग हो रहा है, तो क्योंकि यह स्वर नहीं है, वो एक व्यंजन है, इसलिए यहां पर ए का उपयोग होगा, यहां पर ए का उपयोग होगा। तो इससे आप इस प्रकार से बनाएंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा लास्ट में, जो कि महत्वपूर्ण भी है। मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं मैंगो, हमने यहां पर लिखा मैंगो, तो यहां पर उच्चारण हो रहा है मैंगो, तो म का उच्चारण हो रहा है, म आप सभी को पता है स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो जहां पर व्यंजन होगा वहां पर हम ए लगाएंगे, तो अ मैंगो हो गया, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है एम बी बी एस, मान लीजिए कोई शब्द है एम बी बी एस स्कूल या एम बी बी एस स्टूडेंट, इस प्रकार से एम बी बी एस कॉलेज, सॉरी, तो इस प्रकार से मान लीजिए लिखा हुआ है यहां पर, और अब आपको उपयोग करना है, तो आप बोलेंगे यहां पर एम लिखा है तो ए लगा दिए, यहां पर M है तो A लगाएंगे, तो नहीं, आप उच्चारण करके देखिए, ये क्योंकि सेपरेट है, सब अलग अलग है, तो ये होगा उच्चारण M, ये देखिए इसका उच्चारण हो रहा है M, और चूंकि यहां पर A है तो देखिए आप A क्या है, स्वर है, तो देखिए नियम में था स्वर है तो N का उपयोग होगा, N MBBS स्टूडेंट या फिर N MBBS कॉलेज, तो ये नियम है, यही सही है, कभी आपसे इस प्रकार की गलती से नहीं होगी। इसी प्रकार से मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं यहां पर, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहां पर एन आएगा कि ए आएगा। आपको बताना है यहां पर ए आएगा कि एन आएगा, उसी प्रकार से आपको बताना है तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि यहां पर ए आएगा कि एन आएगा, यूनिवर्सिटी में ए आएगा कि एन आएगा, कमेंट कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं द का यूज, द कहां पर लगता है और कहां पर इसका उपयोग नहीं करते हैं, आप उस नियम को जान जाएंगे, उसके बाद फिर आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि द का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, तो अब हम आगे देखेंगे कि हम द का उपयोग कहां कहां पर करते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। नदियों, सागरों, मैदानों, नक्षत्रों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाजों, समाचार पत्रों, पहाड़ों, ग्रंथों, मौसम इत्यादि, इसमें द का उपयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं, जैसे कि नदी का नाम है, आप सभी को पता है नदी के नाम बहुत सारे हैं, आप चाहे वो, सबसे पहले जैसे मैं गंगा लेता हूं, यदि हम लिखते हैं यहां पर गंगा, हमने लिखा गंगा, तो हम यहां पर भी द का उपयोग करेंगे, द गंगा। और मान लीजिए और हम नदी का लेते हैं मान लीजिए नाम, तो फिर ये द यमुना, इस प्रकार से नदी के नाम भी ले सकते हैं। सागर का नाम है तो द प्रशांत, है ना, द प्रशांत जो है ओशियन, इसका नाम में हम द का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैदान के नाम है, नक्षत्र के नाम है, नक्षत्र के नाम जैसे हैं आपके, तो नक्षत्र याने होता है सूर्य, चंद्रमा, तारा, है ना, ये सभी जो है नक्षत्र हैं, तो हम जैसे नक्षत्र का ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द सन, द मून, इसी प्रकार से द स्टार्स, इस प्रकार से हम द का उपयोग करेंगे नक्षत्र वगैरह। इसी प्रकार से जो प्रसिद्ध इमारत है यहाँ पर, जैसे हम लिखे हैं प्रसिद्ध इमारतों के नाम, तो प्रसिद्ध इमारत में जैसे सबसे प्रसिद्ध हमारे यहाँ जो है ताजमहल, जो कि सात अजूबे में गिना जाता है, तो प्रसिद्ध इमारत, तो जैसे हम लिख देते हैं द ताज महल, तो देखिए प्रसिद्ध इमारत है तो ताजमहल है, इसके अलावा और भी जो प्रसिद्ध इमारत है उसमें हम द का उपयोग करेंगे। जहाज का नाम है, समाचार पत्र है, पहाड़ है, इन सब में हम द का उपयोग करेंगे। मान लीजिए समाचार पत्र देखते हैं तो जैसे द, मान लीजिए हम लेते हैं हिंदुस्तान, है ना, ये टाइम्स,
ये हमने ले लिया द हिंदुस्तान टाइम्स। इस प्रकार से पहाड़ के नाम, तो पहाड़ के नाम में हमें सभी पता है हिमालय पर्वत, तो जैसे हम लिखे द हिमालय, तो ये द हिमालय, तो यहाँ पर भी द का उपयोग है। और भी पहाड़ के नाम है उसमें भी हम द का उपयोग करेंगे। ग्रंथ के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ग्रंथ का नाम है तो वहां पर भी द का उपयोग करना है, करते हैं। जैसे द गीता, द कुरान, द होली बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी है, जितने भी, चाहे हिंदू धर्म कोई भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन यदि वो ग्रंथ का नाम है तो वहां पर द का उपयोग किया जाता है। जैसे मौसम का नाम, यहाँ पे लिखा मौसम का नाम, यदि हम मौसम का नाम लिखते हैं तो वहां पर भी द का उपयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा है द विंटर, द समर, इस प्रकार से हम द का उपयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कहां कहां पर द का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि द का उपयोग हमें कहां कहां नहीं करना है, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हैं, आप रख सकते हैं कि हम द का उपयोग कहां पर हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि देश का नाम, तो हम कभी भी द इंडिया, द इंडिया, द चाइना, द अमेरिका, इस प्रकार का उपयोग हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से किसी भी भाषा का नाम, तो जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, इस प्रकार से हम इसका भी उपयोग हम नहीं करेंगे द में, भाषा का उपयोग। सड़क का नाम, किसी भी स्ट्रीट, गली का नाम है कुछ भी, तो वहां भी आपको द का उपयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से किसी का भी नाम है, राजू, मोहन, जो भी किसी प्रकार का नाम है, तो आप वहां पर द का उपयोग नहीं करेंगे। कोई शहर का नाम है तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको द का उपयोग नहीं करना है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको पहले बताया कि द का उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा, तो आपको 95% 99% तो कन्फर्म आपको ध्यान में रहेगा कि आपको द का उपयोग कहाँ पर करना है और द का उपयोग कहां पर आपको नहीं करना है। कुछ ही प्रैक्टिस से आपको ये आराम से समझ आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं ए, एन और द का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका नियम क्या क्या है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन्हें भी इसकी उपयोगिता है, जिन्हें इसका महत्व है, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।